हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग पे भी एक नया रिक्वायरमेंट आया। ये रिक्वायरमेंट आके पेट्रोल फिलर एंड कार वॉश आके ओमान कंट्री के लिए वैकेंसी निकल गया है। कंपनी आके शेल पेट्रोलियम कंपनी में वैकेंसी निकल गया है दो पोजीशन के लिए। फर्स्ट है पेट्रोल फिलर, नेक्स्ट है कार वॉश। ये जो अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एज कैटेगरी चाहिए, क्या सैलरी है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या, सब कुछ बताएगा आज इस ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जॉब कैसा अप्लाई करना है क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बीबी फ्यूचर में आगे चल के। दोस्तों, एज ए पेट्रोल फिलर की जॉब बहुत डिमांड रहती है, हर कोई मैसेज करता है, हर कोई कमेंट करता है मेरे को, हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेज करता रहता है कि भाई पेट्रोल फिलर का जॉब आएगा तो हमको अपडेट दो, हमको आप बताओ बोल के। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। मैं पेट्रोल फिलर जॉब के लिए ज़्यादा फोकस करता है, क्यों तो इसमें ज़्यादा पढ़ लिख की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खा पी के इंडियन करेंसी 50,000 तो ईजिली आप सेव कर सकते हैं पर मंथ, इसलिए आपको प्रमोट करता हूँ। जो कोई इंटरमीडिएट है, जो कोई भी टेंथ है, जो कोई भी आईटीआई है, जो कोई भी अबोव डिग्री है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। एज ए पेट्रोल फिलर एंड कार वॉश ECNR पासपोर्ट होल्डर से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पेट्रोल फिलर का। पेट्रोल फिलर का काम ये रहता है कि अब इंडिया में देख ही रहेंगे कि कस्टमर आएगा तो गाड़ी फिल करना पड़ेगा, ऐसे ही सेम टू सेम इधर गल्फ में टू व्हीलर के ज़्यादा कार ज़्यादा चलते हैं, इसलिए कार में आपको पेट्रोल फिलिंग करना पड़ता है। इधर कॉकटेल टू कॉकटेल रहते हैं, आपको कस्टमर को पूछना पड़ता है स्पेशल है नहीं सुपर है बोल के, कौन सा कॉकटेल वो लाइक करते तो वो कॉकटेल आप कार में फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस रहता है पूरा हाज पेट्रोल फिलर। पेट्रोल फिलर में अच्छे खासे टिप्स भी आते हैं। टिप्स कैसे कमाना है आपको, कस्टमर पेट्रोल फिलिंग करते टाइम वो सामने विंड ग्लास रहता है, उसको आप वाइपर करने से, उसको क्लीन करने से आपको कस्टमर टिप देता है। ऐसा आप 8 आवर्स ड्यूटी है, 8 आवर्स आप कितने ग्लास क्लीन करेंगे उतना टिप मिलता जाएगा, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं पर डे। और इसकी सैलरी के 120 ओमानी रियाल, मतलब इंडियन करेंसी एक ओमानी रियाल है कि तकरीबन 195-200 चल रहा है, मतलब आपकी सैलरी पकड़ के चलो 30,000 हो जाता है, प्लस ओटी भी है, प्लस टिप्स भी है। ओटी आपको कैसा मिलेगा, आपका डे ऑफ है, आप डे ऑफ नहीं लेना चाहते तो ओटी कर सकते हैं, आपको रमज़ान में और वो नेशनल डे स्पोर्ट्स डे के लिए ओटी मिलता है। और इसकी सैलरी आके मैंने बता दिया था, टिप्स आके आपके डिपेंड्स आपके ऊपर करता है, डिपेंड है आप कस्टमर कैसे सर्विस देते हैं, कस्टमर से कैसे ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से आपको टिप्स मिलता है। लेकिन इंडियन करेंसी खा पी के अब इंडियन करेंसी 50,000 तक आप ईजिली सेव कर सकते हैं पर मंथ, उसके अबो भी सेव करने वाले हैं थोड़े बहुत लोग, तो 1 लाख भी सेव करने वाले, थोड़े बहुत लोग तो 80,000 भी सेव करने वाले हैं। डिपेंड्स आपके ऊपर, आप कितना अच्छा सर्विस देते कस्टमर को उतना अच्छा आपको टिप मिलता है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है टिप्स आप कितना बनाते हैं क्या है। सैलरी तो 120 ओमानी रियाल है, मतलब इंडियन करेंसी आपको तकरीबन 30,000-35,000 हो जाता है, प्लस आपको टिप्स भी है, तो आप खा पी के आराम से 50,000 पर मंथ सेव कर सकते हैं एज ए पेट्रोल फिलर। और कार वॉश की बात करें, कार वॉश के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है कार वॉश करना है, जैसे कि कार वॉश हो, बॉडी वॉश होगा, स्टीम वॉश होगा, जैक वॉश होगा, ऐसे 3-4 रकम वॉश है। इसमें सेम है सैलरी 120 ओमानी रियाल, प्लस टिप्स है, ओटी है, इंसेंटिव्स है। इंसेंटिव्स आपको जैक लगा के क्लीन करने से परसेंटेज मिलता है, पूरा बॉडी वॉश और इनर कार का सब क्लीन किया तो उसके ऊपर भी कमीशन मिलता है। तो आप इसमें भी खा पी के इंडियन करेंसी 50,000 ईजिली सेव कर सकते हैं पर मंथ एज ए कार वॉश के लिए। दोनों पोजीशन के लिए ECNR पासपोर्ट होल्डर से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 10th इंटर ITI है तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस रहना बहुत जरूरत है तो अच्छा है, नहीं तो फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एट ऑल इश्यू। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो जो भी आप वर्क करते हैं उसका छोटा सा क्लिप बनाए, छोटा सा वीडियो बना के आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके साथ ही साथ ये भी सबमिट कर दीजिए, आपको इंटरव्यू में उतना क्रैक करने के लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, अपडेटेड CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी प्रिंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड आल्सो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं तो फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड वीडियो क्लिप चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस बनता है काम कर रहा रहता है उसका वीडियो क्लिप चाहिए। आप जो भी मेरा डॉक्यूमेंट बताया बराबर से स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID डाल के उसको फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स। और कंसल्टेंसी का फोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कंपनी एडिशनली बेनिफिट ट्रांसपोर्ट दे रही है, मेडिकल दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, किचन फैसिलिटी दे रही है, आपका खाना खुद बना के खाना पड़ता है तो बाहर भी खा सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी सैलरी है। कार वॉश और पेट्रोल फिलर के लिए सैलरी सेम है, 120 ओमानी रियाल, मतलब इंडियन करेंसी 35,000 तक हो जाता है, प्लस ओटी भी है, टिप्स भी है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जॉब अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। इसका इंटरव्यू आके वंस आपको CV शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजेगा, इंटरव्यू के लिए अटेंड होना पड़ेगा, इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर
देगा, आफ्टर लेटर ऑफ बर्थ मेडिकल कराना, मेडिकल ऑफ वीज़ा आता है, ये प्रोसेस है पूरा पूरा प्रोसेस आपको 40-60 days के अंदर ही अंदर हो जाता है। उसके बाद आपको फ्लाइट पकड़ के चलो ओमान, ये रहता है। ये पेड कंसल्टेंसी कितना है, क्या है सर्विस, नीचे डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर देके जाके कॉन्टैक्ट करके आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि ये कितना है क्या है सर्विस, ये लोग खुल के बता देंगे आप सभी को। बहुत लोगों को मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि बहुत लोग कमेंट करते, बहुत लोग मैसेज करते, भाई आप कोई एजेंट है, आपको कोई कंसल्टेंसी है क्या बोल के। पर दोस्तों मैं कोई एजेंट नहीं, मेरी कोई कंसल्टेंसी, मैं सिर्फ यूट्यूबर जो कोई जेन्यून से जाना चाहता है गल्फ को, यूरोप को मदद करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ज़फरू ब्लॉग्स करके। मेरे यूट्यूब चैनल से जेन्यून से कोई जाना चाहता है गल्फ को, यूरोप को मदद करने के लिए, टाइम प्लेस मेन्यू डेट बताते रहता हूँ इंटरव्यू का, वो हिसाब से आप देख के इंटरव्यू क्रैक करके आप ईजिली जॉब हासिल कर सकते हैं गल्फ में, यूरोप में, विथ लो आप सर्विस चार्ज। मैं इधर पर कोई भी कंसल्टेंसी को, कोई भी एजेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एजेंट को, कोई भी कंसल्टेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉड एजेंट से बच के रहिए, बी वार्न ऑफ फ्रॉड एजेंट्स, फ्रॉड कंसल्टेंट्स। आप कभी भी आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए एजेंट को अंदर, कंसल्टेंसी को अंदर। मतलब बैकडोर से जॉब हासिल करने की कोशिश मत कीजिए पैसा दे के, तो आपका पैसा टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कभी भी इंटरव्यू वैसे जाइए, जिन्हें वैसे जाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ सेव होता है, टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है। अगर जाने के बाद आपको पूरा बेनिफिट्स और पूरा जो भी कंपनी आपको फैकल्टी दे रही है सब कुछ आपको मिलेगा। आप वो वीज़ा खरीद के जाएंगे तो वीज़ा लेके जाएंगे तो बोल नहीं सकते क्या होता क्या नहीं। आप इंटरव्यू वैसे जाएंगे तो ऑफर लेटर में सब कुछ आपको मेंशन करके रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उधर जाके सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ज़फरुल्लाह बादशाह, इंस्टाग्राम पेज है ज़फरुल्लाह बादशाह, को दोनों दिख रहे होंगे। सिंपल से आप फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, मेरा यूजर नेम टाइप कीजिए ज़फरुल्लाह बादशाह, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, देखिए क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, तो मोर अपडेट्स भी देता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड। एंड आल्सो आप उधर पर पर्सनल से मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपका मैसेज बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। कमेंट भी कीजिए, आपका कमेंट को बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। आपका वीज़ा कॉपी ऑफर लेटर आ गया तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं चेक करके बताए थे जेन्यून या फेक बोल के। अपना वीज़ा चेक करने के बाद जो भी आपका वीज़ा कॉपी आता है उसके बाद आप चेक कर लेके ऑनलाइन में, उसके बाद जो भी कंसल्टेंसी फीस है पे कर देके चलो ओमान, ये रहता पूरा प्रोसेस। और जो कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, फील फ्री विथ मी, आप आराम से पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई देने का। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है पूछिए, आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। आज के ब्लॉग पे इतना है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान को, जो कोई हैज़ ए पेट्रोल फिलर एंड कार वॉश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ज़्यादा ये लोगों ने पढ़ लिख के मांगा नहीं, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड इंग्लिश है तो बस है, 10th है, इंटर है, नेट ITI है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। हैज़ ए पेट्रोल फिलर एंड कार वॉश, खा पी के आप आराम से 50-60,000 पर मंथ सेव कर सकते हैं इंडियन करेंसी। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग पर इतना है, ख्याल रखें अपना भी, इस चैनल का भी।